Yes, one of them. Epipelagic, mesopelagic, then lithopelagic, then abyspelagic. You see what I mean? The ocean, layered structure of the ocean water. Anyway, you just write down once again. Very easy, you know, from BAC also you must have read it. So he is taking the average ocean depth is equal to 6 km. You know, there are deeper oceans also. Theek hai na? Dekh liya na? Epipelagic up to 200 meter. Mesopelagic 1000 meter. Lithopelagic up to 4000 meter. At 6000 is called abyssal plain or abyss. Okay. Now, what I wanted to show you, you see the next map. Next map, you should discuss. Next map, that was very easy. Why is it? Bolna zarurat nahi hai. But I want to ask, what you are observing here? So this is a mixed layer on the different layers in the ocean. देखता है ना? अब graph छोड़ दो। अभी कितना मीटर तक देखा है? Up to 700 मीटर तक देखा है। That means epipelagic and mesopelagic. उसके अंदर है सब। उसका नीचे तो सब uniform है। Up to that it is showing है। Past 1000 मीटर और past 500 मीटर it is showing. Understood. Now, out of these, he is telling past 50 meter is mixed layer. Past 50 meter is mixed layer. These curves are explained first, then you will draw. Past 50 meter is mixed layer. Suno pahle. Next 200 meter is thermocline. Next starts the deep zone. Deep zone. Theek hai na? Past is 50 meter is mixed layer. Temperature profile देखो, depth in meter ना, meter लगता है, depth in meter लगता है, temperature इस तरफ दिया है. This is the temperature profile, which are blue one, it is showing blue ना, left side है. So up to past 50 meter, the temperature is constant. Past 50 meter, temperature is constant, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. इसलिए उसको mixed layer बोलते हैं. बड़ा एक बकेट में पानी लेंगे एक तरफ गर्म करेंगे इफ यू मिक्स इट प्रॉपर्ली देन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट बिकॉज़ वो वेव आता है टाइड्स रहता है सरफेस में इसलिए मिक्सिंग बहुत होता है विल रीड टाइड्स एंड वेव्स आफ्टर दिस लॉट ऑफ चर्निंग हैपेंस यू नो फास्ट 50 मीटर ऑफ द प्रोसेस बिकॉज़ इट्स वेव एनर्जी हाई एनर्जी कंडीशन में होता है बहुत मूवमेंट देता है वो आता है टाइम्स आता है फर्स्ट 50 मीटर अंदर
That is why it is called a mixed layer. So temperature highest and remains constant. Whatever temperature of the ocean is there, this is the ocean where the higher temperature is. So kitna temperature hai? Aap dekho. Ye hai na iska? Ye 7 degree. 7 degree centigrade? Jyada se jyada 7 degree centigrade hota hai. Pani. Isse aage bann nahi sakte, pani garam nahi ho sakta hai ocean. लैंड हो सकता है दिस आर कोल्ड ओवर थर्मल कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई और हीट कैपेसिटी सो वाटर को आप सी वाटर को आप हीट नहीं कर सकते आप लैंड को हीट कर सकते सो दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर 7 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड समझा ना तो आप लैंड में कितना टेम्परेचर होगा बताओ आप लैंड में कितना टेम्परेचर होगा वेरी क्लोज टू द सी इट कैन नॉट बी 7 डिग्री ना कितना होगा 20 30 हमेशा गर्मी के दिन में और ज्यादा होगा ठंड दिन में ज्यादा से ज्यादा होगा हम तक को रेडियल कोस्ट की सो विंड किधर से किधर फ्लो करेगा विंड हां विंड कैसे फ्लो करेगा लैंड ओशन से लैंड फ्लो करेगा है कि नहीं हमेशा हमेशा करेगा कि नहीं देखो क्या है खुदा ने बनाया टेम्परेचर द विंड विल ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम द ओशन टू द लैंड लैंड गर्म होगा इट विल राइजिंग अप सर्कुलेशन है इसलिए लोग बाग समुद्र के पास मकान बना हमेशा विंड दे रहते रहे हमेशा विंड आते रहे रात को थोड़ा ऑपोजिट हो जा सकता है पर रात को कभी 7 डिग्री में होगा लैंड कभी होगा कभी नहीं होगा 7 डिग्री में ठंड आ जाएगा आपको विंटर आ जाएगा पूरा अंडरस्टैंड ना दैट इज ऑलवेज वी क्लोज यू नो फ्रॉम ओशन टू द लैंड और वो भी उसके साथ आएगा ना आप कभी समुद्र के पास गया ऑलवेज वी हैव कम फ्रॉम द सी टू द लैंड यू नो इट इज नेवर ऑपोजिट वे कैसे ऑपोजिट होगा रवींद्रनाथ के संगीत में है ना हमेशा समुद्र आपका चरण धोता है चरण नहीं धोएगा तो किधर जाएगा तो उसको लेके आएगा तुम्हारा तो उल्टा तो होगा ही नहीं है कि नहीं अब 7 डिग्री हमेशा रहेगा लैंड का टेम्परेचर मिनिमम 20 डिग्री रहेगा हमेशा ही आएगा तो उसके साथ वेव भी आया और टाइड के टाइम में टाइड वेव में क्या फर्क है टाइड बिकॉज ऑफ द सन एंड द मून वो पानी को उठाता है वो लैंड को नहीं उठाता है पानी का हाइट बढ़ा कर देता है या नीचे कर देता है इट इज अ फ्लूइड मीडियम सो व्हेन इट गोज अप फ्लोस टुवर्ड्स लैंड यही है ना सो द वेव्स आर इंडेक्स टाइड्स आर प्लैनेटेक्स So always wave goes from sea to the land. Hamesha, because of this temperature difference. Understood this curve? So this is up to 50 meter. 50 meter तक ही condition है उसका. हमेशा wave इधर आए. इसलिए आप समुद्र का कुछ भी फेंको समुद्र में नहीं जाएगा. तो हमेशा वापस आ जाएगा. नारियल फरिया जितना फेंकते हैं तो अभी ओजन नहीं लेता. नीचे आ जाता है. समझा कि नहीं समझा? 50 meter तक कहाँ जाएगा? आपके सो नारियल फेंगा फूल फेंगा वो तो ऊपर ही रहेगा ना 50 मीटर तक जितना फ्लोटिंग सब्सटेंस है सब एवरीथिंग विल कम अंडरस्टूड ना नाउ इफ यू गो टू थर्मोक्लाइन दिस इज द प्लेस यू नो 50 टू 200 द टेंपरेचर फॉल्स यू सी फ्रॉम 7 8 टू 2.5 और 3 या ठंड हो जाए देखा ना कितना शार्पली फॉल्स And from this 200 meter deep onward, you know, it is a cool sea. Though thunder, though it is in the epipelagic zone. Epipelagic zone मतलब क्या है? बहुत light आता है, sunlight वहाँ रहता है. But it is a very cool one. Only hot water is only after 50 meters. Hot means within this 7 to 8 degrees.
समझा ना, तो इसलिए समुद्र पानी कभी गर्म नहीं होता, कभी भी ना हो तो कभी गर्म नहीं होता, 7 डिग्री सेंटीग्रेड है वो ठंडा है, समझा अंकल? हाँ ना, दिस इज द टेंपरेचर प्रोफाइल, सो फास्ट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग बिकॉज ऑफ द वेव एनर्जी, देन इट कम्स डाउन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन, देन इट इज कांस्टेंट, यू वांट 200 मीटर इट इज कांस्टेंट, देन इट गोस डाउन अप टू 3 सेंटीग्रेड और 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी कोल्ड वाटर, समझा कि नहीं समझा? तो व्हाट अबाउट दीज टू थिंग्स यू सी, डेंसिटी एंड salinity, density and salinity, they are similar type, density and salinity, they are similar type, fast, constant, why constant you understood, mixed layer, then it, in the thermocline, they are increasing, see, they are increasing and then in the deep zone, they are remaining constant, so what is happening, temperature is decreasing, but density and the salinity is increasing. As you go down. Yo. Here acidification is not discussing. Acidification definitely will be more. I told you, cold water mein carbon dioxide zyada aata hai. So acidification, aap ko plot ek aur, acidification will be more. H concentration will be more. From 8.2 to 8.19, 8.18, it will come down. Maximum is 8.2 na. C ka pH, alkaline. As you come down, it will become less, less, less up to 7.9 in the CCD. Oh, theek hai. But what is telling the density and the salinity? That is the amount of salt present. Amount of salt present in the sea also increases. That is salinity. Understand me, understand? So salinity is more in the cold water, or density is more in the cold water. You know, understand this part. So cold water is more dense, more saline than hot water. That is what it is telling. आप अगर hot water रखे हैं, गर्म पानी है. एक कोल्ड पानी किसमें सॉल्ट ज्यादा, हु इज कैपेबल ऑफ टेकिंग मोर सॉल्ट, हॉट वाटर ना, व्हाई इट इज भूखा है, इसका डेंसिटी लेस है, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट ना, जब कोल्ड हो जाएगा वो निकाल लेगा बिकॉज भर गया, यही है ना, दैट इज द फंडामेंटल फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, इट इज थ्रोइंग आउट, इट बिकम डेंस, per cubic meter of water the salt amount is more, it has still capacity to hold more water, more salt, that is why the cold water is heavier, cold the water is more dense than the hot water, samjha hi nahi, aap ek pani garam karo uska upar you put some cold water will go down, और सिमिलरली सपोज कोल्ड वाटर है नीचे से गर्म करो हॉट वाटर विल कम अप, फॉलो दिस, हॉट वाटर आर लाइटर, कोल्ड वाटर आर हेवियर, दैट इज, सो द टेंपरेचर प्रोफाइल एंड द सैलिनिटी प्रोफाइल डेंसिटी प्रोफाइल दे आर रिवर्स, आई ड्रॉ इट देयर, ऐसा yes, things you just plot maximum 10 degree time, 10 degree level. The 700 kilometer a meter, zero. So for the salinity is concerned, this is 27. 27, 27, 26, 27, 35. This is your temperature profile. This is your salinity profile. Density. This is a number. They are opposite to each other. The lower waters are more dense. Lower waters are more saline. More acidic. As you go further down, you know,
एपिसाइड जोर और गति पलायन की वजह से कोल्डर एज में मोर साला मोर एसिडिटी ठीक है ना. तो दिस इज द लेयर प्रोफाइल ऑफ द ओसी. लेयर प्रोफाइल ऑफ ओसी मैं ये दो तीन फिगर आई जस्ट मेरिट टू यू फॉर इन फ्रॉम टाइम. ये तो हमने बताया आपको ये तो हाँ और एक बताओ हाँ स्टेट में समाप्त हो गई थी. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स लाइक 15 मोहल्ला 20 मोहल्ला फिर हाँ तो आप लोग रहते हैं 15 मोहल्ला के अलावा जैसे हमारा दो तीन बिल्डिंग बना है हम तो रहते हैं ना आप लोग रहते हैं अराउंड 10 तो कभी नहीं ना. दिस टावर यू सी ऑलवेज है वो टावर का जो जितने ऊपर जाओगे ना उतना विंड है. समर में तो बहुत विंड होता है उसका. समर में इवन दी विंडो पैनल्स यू नो इफ इट ग्लास और इट विल लूज यू दे प्रोड्यूस साउंड रैटलिंग साउंड इट प्रोड्यूसेस. सो इट हैज अ वेरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये विंड एक्शन इज वेरी हाई. विंड एक्शन नाउ व्हाई इट इज सो. Why it is so? Similarly, Bombay hillside, a hill, it was staying here, you see. You find lot of inflows, you know, down the hill. Inflows. Down the hill. Let me just explain this phenomenon. I'm just telling you, I'm telling you what I'm taking the big observation. First you come to this part. Understood, na? If you stand here, you know, lot of wind. You don't do field work nowadays, na? Those who do field work in the Himalaya area, they experience these things. If you are climbing up a hill, on the halfway in the hill slope, you know, you will see this. Lot of wind coming from the top of the hill downward. So this happens, you know. This is a cooler thing, na? Compared to the plane. So this is hotter. Follow this point. So this difference in the temperature, you know, creates this. Like, so along the slope of the hill, you will see this type of air flow. So if you have a house on the hill slope, you will see the effect of this torrential wind. This type of things happens particularly during daytime. Daytime, evening time. Same thing also true here. Same thing also true here. So the here it is heated up. Heated up. It climbs up and takes a turn, you know. What? All around the building, not only one side, you know, इधर भी ऐसा आएगा, इधर भी ऐसा आएगा. So these flows particularly, you know, they get inflow of wind from surrounding. Same thing as the heat effect. That is why the high rises they experience lot of wind, you know, in the top floors, but the ground floor does not have. Because there are similar temperatures. But this 10th floor, 11th floor, upward, you know, you get lot of wind from surrounding. And if your building is somewhere, you know, near the sea, so you see the basic. So much of wind comes from all around, you know. So
circulation. Do you remember this thing? Thermo-allied circulation. So this thermo-allied circulation means the ocean water, how they are driven by this difference in the salinity. Difference in salinity. Produces oceanic current. Thermo-allied circulation means water from one ocean goes to the other ocean. So one where the salinity is more, it is heavy. It is heavier, so it goes down. So an undercurrent, subsurface current is created. So in this connection I have shown you the Atlantic Ocean. Suppose this is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean salinity is more. And Pacific Ocean salinity is less. Pacific Ocean salinity is less. So from here, you know, from here the water goes down into the sea bottom and takes a turn like this, like this, like this. Pacific Ocean, it goes subsurface current. Then it climbs up to the Pacific Ocean surface. It climbs up, it goes down, down, subsurface current. ऐसा जाता है ताकि इधर आके भी ऊपर उठता है डबल एरो में लेता हूँ देन इट कम्स बैक यू नो कम्स बैक एंड जॉइंस अप विद फिर अगेन गोज डाउन सो दिस इज हाउ यू नो हाई सलाइन वाटर लो सलाइन वाटर द मिक्स अप जस्ट टू मेंटेन अ बैलेंस बट सिमिलरली पार्ट ऑफ इट गोज टू इंडियन ओशन एंड कम्स बैक दिस इज इंडियन ओशन So this is going down, this is going up. This is the first thing you know. ठीक है ना? So here Atlantic Ocean it climbs down. Pacific Ocean goes up. This is how this mixing takes place. These are oceanic currents. Known thermohaline circulation. So there is one another type of oceanic currents that is produced from the wind action. This you will need to know. Oceanic current by wind action. Wind action. Tomorrow we will see.